हो गई इंतजार की। बेटा नीट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके इंतजार की इंतहा ही हो गई। हम इसका वेट कर रहे हैं जनवरी से। जनवरी में पूरा महीने चलता रहा कि फॉर्म आ जाएगा, फिर में चलता रहा कि फॉर्म आ जाएगा, फिर न्यूज आई कि भाई 1 मार्च को फॉर्म रिलीज हो सकता है, तब भी नहीं आया। फिर ये प्रिडिक्ट किया गया कि भाई 5 मार्च को फॉर्म रिलीज हो सकता है। आज 5 मार्च है, क्या आज फॉर्म रिलीज हो सकता है? नीट 2023 रजिस्ट्रेशन लाइव, विल नीट यूजी एप्लीकेशन बिगिन टुडे। हर जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी न्यूज चैनल हैं, सब पे ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा कि शायद आज से नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का वेट इसलिए भी हो रहा है ताकि हमें सिलेबस के बारे में भी सही जानकारी हो जाए, क्योंकि एनटीए इसी के साथ में एप्लीकेशन बुलेटिन भी जारी करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और क्या क्या, और जो एलिजिबिलिटी होती है वो सारी उसमें आपको बताई जाएंगी। लेकिन अब तो बहुत हो गया यार, मतलब टाइम निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। 2 महीने बाद नीट का एग्जाम होना है। पहले 4 महीने पहले फॉर्म आ जाया करता था, लेकिन अभी 2 महीने केवल बचा हुआ है, नीट का फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो क्या इसमें बच्चे के दिमाग में यह भी आ रहा है कि क्या नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है? तो देखिए, ऐसी कोई भी दिमाग बात अपने मन में अभी मत लाइए कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि नीट पीजी का एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया गया। उसमें बच्चों को प्रॉब्लम थी, बच्चे कह रहे थे कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, लेकिन उसको पोस्टपोन नहीं किया गया। तो नीट यूजी में भी आप ये मान के चलिए कि 2 महीने का समय अगर पोस्टपोन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म के बाद टाइम बहुत कम है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं इस बात के। दूसरी बात यह है कि आप इस चीज को बार बार सर्च ना करें। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, सबसे पहले आपको ही जानकारी होगी, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक और सबसे तेज जानकारी मिलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार, और बेटा मैंने एमबीबीएस किया केजीएमसी यूपी से। आप सभी जानते हैं कि टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में से एक है। 2010 बैच है मेरा, और 2011 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया जब मैं फर्स्ट ईयर में था। तो मैं नीट एडुकेटर भी हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ पिछले करीब 12 साल से। और इस चैनल पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मैं इस समय करवा रहा हूँ। अनअकेडमी के लर्निंग ऐप पर हम लोग रात में 10 बजे एक सेशन करते हैं जहां पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चन करने वाले हैं वहां पर। मैं और क्विज के फॉर्म में हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, टाइम लिमिट आपको मिलती है 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपकी रैंक बनती लीडर बोर्ड में, बहुत मजा आता है। तो आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा, और अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी बेटा तो वो भी आप देख लीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। ओके, और साथ ही साथ 25 मार्च से हम ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट करें नीट 2023 के लिए। तो अगर आपका स्कोर 400 से 600 के बीच में है, आपको लगता है कि भाई आपको आपका बस थोड़ा सा नंबर कम रह जा रहा है, तो इन 40 डेज के क्रैश कोर्स में अपने आप को आप बूस्टअप करके इसी साल सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है, आपका नंबर 150, 200, 250 आ रहा है, तो नीट 2024 के लिए प्लेटफॉर्म आप तैयार कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो नीट 24 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स फ्री है अगर वो अभी ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेते हैं। तो ये जो 9999 9999 का जो क्रैश कोर्स है, ये उन बच्चों के लिए फ्री हो जाएगा जो नीट 2024 के लिए इनरोल करते हैं। तो उनके लिए फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। इन 40 दिन में उनका पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पूरे साल में पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। ये जो क्रैश कोर्स है बेटा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों क्लासेस होंगी। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी, यानी 6 घंटे आप हमारे साथ में रहेंगे, हमारे प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे, जिसमें पीसीबी तीनों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और थ्योरी भी कराई जाएगी। डेली बेसिस पर फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और बायोलॉजी के 1 से 2 चैप्टर आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो प्रॉपर रिविजन होगा, प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर टेस्ट होंगे, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कि आखिरी टाइम में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का जो 2 महीने पहले का टाइम होता है बहुत ही क्रुशियल होता है। आप जानते हैं कि आपने पूरे साल भर पढ़ाई की, लेकिन आखिरी के 2 महीने अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं हो सकता है।
लेकिन अगर आपने साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, आखिरी के 2 महीने दम लगा देंगे ना, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 25th ऑफ मार्च से अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में हजरतगंज लखनऊ में इसकी शुरुआत हो रही है बच्चों, और रात में हम 10 बजे करेंगे यहाँ पर IPL इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लीग, और इसका सेशन नंबर 3 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। रात मिलते हैं बच्चों।